थैंक यू ईशान किशन, थैंक यू इस मैच में हम सब का रोमांच बरकरार रखने के लिए, थैंक यू ईशान किशन मुझे गलत साबित करने के लिए, थैंक यू ईशान किशन ऐसी बल्लेबाजी करने के लिए जिसकी वजह से हम एक सम्मानजनक स्कोर के उस पार पहुंच गए, थैंक यू ईशान किशन सेलेक्टर्स को, टीम मैनेजमेंट और कैप्टन को यह बताने के लिए कि जो आपको 200 रन बनाकर अगले मैच में निकाल दिया गया था वो आपके साथ थोड़ी बेमानी थी। थैंक यू ईशान किशन वेस्ट इंडीज दौरे पर 3 अर्धशतक लगाने के बाद जब आपको ड्रॉप किया गया उस फैसले को गलत साबित करने के लिए। वेल, अगर मेरी बात आप करेंगे तो मैं इस बात को लेकर बहुत पुख्ते तौर पर कह रहा हूं कि ईशान किशन एज अ ओपनर मेरे मन में कभी डाउट नहीं रहा। मैंने हमेशा कहा कि ईशान किशन अब वो बल्लेबाज हैं जो रोहित शर्मा की एक्चुअली जगह डिजर्व करते हैं, लेकिन रोहित क्योंकि कैप्टन है तो उस वजह से वो नहीं बैठ पा रहे हैं। वो एक अच्छे बल्लेबाज हैं, उनमें या जायसवाल में कोई एक आदमी अब जगह डिजर्व करता है ओपनर के तौर पर। लेकिन ईशान किशन 5 नंबर पर सवाल या निशान था क्योंकि आईपीएल में उन्हें हमने खेलते देखा नहीं, फर्स्ट क्लास मैच में खेलते हैं वहां पर बहुत ध्यान जाता नहीं, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको लेकर हमेशा आरोप लगते हैं कि वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते, लेकिन आज उन्होंने अपने करियर की बेस्ट पारी खेली। वो 200 रन जो बनाए थे उससे ज्यादा बेहतर पारी खेली, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईशान जब बल्लेबाजी करने आए तो 48/3 स्कोर था, विराट, रोहित और श्रेयस अय्यर आउट हुए थे, और फिर 66/4 था, शुभमन भी जा चुके थे, और वहां से 200 प्लस टीम का स्कोर ले आना, थैंक यू ईशान किशन यार, थैंक यू सो मच। ईशान किशन ने जब दोहरा शतक मारा तब उन्हें बाहर किया गया, ये उनकी लाइफ का एक अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा, लेकिन फॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि वो टीम के तीनों फॉर्मेट में लगातार खेलते रहे। T20 में उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं, लेकिन वनडे में अगर आप देखेंगे तो घर से बाहर उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। मतलब इस मैच में 82 रन बनाए 81 गेंद में, और किस बॉलिंग के सामने, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, नसीम के साथ हरिस रऊफ, और सबको बराबर पीटा उसने। वो जो मोमेंटम चेंज हुआ जिसकी वजह से हार्दिक पांड्या को खुलकर खेलने का मौका मिला वो कमाल था यार। मतलब क्या कहा जाए, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। मतलब जो आज मेरा फाइनल वीडियो होगा शायद उसका मैं कैप्शन भी वही दूंगा कि बड़े बड़े हीरो हुए फ्लॉप और खोटा सिक्का निकला सबका बाप। हाँ मतलब ऐसा ही कुछ देंगे यार कि गजब की यार, मतलब वो इनक्रेडिबल पारी थी और बहुत अच्छी पारी। उसका असर ये हुआ कि हार्दिक पांड्या ने भी अर्धशतक पूरा किया, हार्दिक भी तेज तर्रार पारी खेलने लगे, और हार्दिक कमाल की इनिंग थी क्योंकि ईशान किशन जब शुभमन गिल खेले थे 14 ओवर में 60 रन स्कोर था, और जब हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने आए थे, या उससे पहले आप बात कर लें 10 ओवर 48 रन 3 विकेट, लेकिन जब ईशान किशन लौट कर गए हैं तब 37 ओवर में स्कोर 204 था, और 204 रन काफी ज्यादा होते हैं ऐसी पिच पर जहां पर कहा जा रहा था कि अगर 250 बन जाते हैं तो टीम इंडिया मैच जीत सकती है। जीतेगी हारेगी वो अपनी जगह पर, लेकिन ईशान किशन ने बता दिया कि अब वो जगह डिजर्व करते हैं। इससे पहले वेस्ट इंडीज में भी उन्होंने 77 रन 55 रन 52 रन ठोके थे, उससे पहले बांग्लादेश में 210 रन, और उससे पहले 50 रन जिम्बाब्वे में। गजब की बल्लेबाजी बाहर निकल कर यार, और इसी वजह से आज मुझे ईशान को थैंक यू बोलने में कोई परहेज नहीं है। मतलब यार हम कितना गंदा खेल लेते, 14 ओवर में 64 रन पे 4 विकेट, ऐसा लगा यार मैच देखना खराब हो गया। रोहित शर्मा, विराट कोहली इतना प्रेशर ले लिया अपने ऊपर कि यार डर डर के खेलना, शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था यार कैसे बैटिंग कर रहे हो भाई, यार ऐसे बैटिंग करते हैं यार। वेस्ट इंडीज दौरे के बाद से शुभमन गिल का फ्लॉप शो जारी है, लगातार उन्हें मौके मिल रहे हैं। एक वीडियो अलग से बनाई, क्या शुभमन गिल की पोजीशन को लेकर खतरा जो है वो ईशान किशन की तरफ से मंडराने लगा है? वेल, होना चाहिए क्योंकि आपने शुभमन को जब ईशान पर प्रायोरिटी दी थी तब ईशान ने 200 बनाए थे, लेकिन आपको लग रहा था शुभमन ज्यादा कंसिस्टेंट है, लेकिन अब ईशान ज्यादा कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं। और किसी भी प्लेयर की पोजीशन जो है वो डिफाइन नहीं होती है कि आपकी एक जगह है, आप क्रिकेट में जो अच्छा खेलता है वो सराखों पर। ईशान किशन ने आज दिखाया है वो क्या कर सकते हैं, और हम सबको उनको बैक करना चाहिए, मौके देना चाहिए और कुछ मैचेस मिलने चाहिए, क्योंकि आज 14 ओवर में 66/4 से अगले 23 ओवर में 138 रन, ये कमाल है यार। मतलब 138 बॉल पर 138 रन, आप 100 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं, हर ओवर में 6 रन आप जा रहे हैं, तो ये बहुत कमाल है। और इसी वजह से ईशान किशन को आज मुझे लगता है कि हम सबको थैंक यू बोलना चाहिए। ईशान किशन का जो 82 है ये बहुत सारे खिलाड़ियों के शतक से बेहतर है, और इसी वजह से हम कहेंगे वेल प्लेड ईशान किशन, थैंक यू सो मच हम सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखने के लिए, हमें गलत साबित करने के लिए, एंड कीप परफॉर्मिंग डूड, बहुत अच्छी पारी थी, मतलब चेहरे की स्माइल। और इसी वजह से आज मुझे ईशान को थैंक यू बोलने में कोई परहेज नहीं, मतलब यार हम कितना गंदा खेल लेते, 14 ओवर में 64 रन पे 4 विकेट, ऐसा लगा यार मैच देखना खराब हो गया। रोहित शर्मा, विराट कोहली इतना प्रेशर ले लिया अपने ऊपर कि यार डर डर के खेलना, शुभमन गिल की बल्लेबाजी देखकर लग रहा था यार कैसे बैटिंग कर रहे हो भाई, यार ऐसे बैटिंग करते हैं यार। वेस्ट इंडीज दौरे के बाद से शुभमन गिल का फ्लॉप शो जारी है, लगातार उन्हें मौके मिल रहे हैं। एक वीडियो अलग से बनाई, क्या शुभमन गिल की पोजीशन को लेकर खतरा जो है वो ईशान किशन की तरफ से मंडराने लगा है?
वेल होना चाहिए, क्योंकि आपने शुभमन को जब ईशान पर प्रायोरिटी दी थी तब ईशान ने 200 बनाए थे, लेकिन आपको लग रहा था शुभमन ज्यादा कंसिस्टेंट है, लेकिन अब ईशान ज्यादा कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं। और किसी भी प्लेयर की पोजीशन जो है वो डिफाइन नहीं होती है कि आपकी एक जगह है, आप क्रिकेट में जो अच्छा खेलता है वो सराखों पर। ईशान किशन ने आज दिखाया है वो क्या कर सकते हैं, और हम सबको उनको बैक करना चाहिए, मौके देना चाहिए और कुछ मैचेस मिलने चाहिए, क्योंकि आज 14 ओवर में 66 पर 4 से अगले 23 ओवर में 138 रन, ये कमाल है यार। मतलब 138 बॉल पर 138 रन, आप 100 का स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हैं, हर ओवर में 6 रन आप जा रहे हैं, तो ये बहुत कमाल है। और इसी वजह से ईशान किशन को आज मुझे लगता है कि हम सबको थैंक यू बोलना चाहिए। ईशान किशन का जो 82 है ये बहुत सारे खिलाड़ियों के शतक से बेहतर है, और इसी वजह से हम कहेंगे वेल प्लेड ईशान किशन, थैंक यू सो मच हम सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बरकरार रखने के लिए, हमें गलत साबित करने के लिए, एंड कीप परफॉर्मिंग डूड। बहुत अच्छी पारी थी, मतलब चेहरे की स्माइल जो है